हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे सी टेक चैनल में। फ्रेंड्स, यदि आप बार कोड स्कैनर से बिल बनाना चाहते हैं कि किस तरह से बार कोड स्कैनर से बिल बनाया जाता है, यदि आप बिल बनाना सीखना चाहते हैं या फिर आपके पास कोई शॉप है, आपका अपना शॉप है, आप वहां पर बार कोड सिस्टम लगाना चाहते हैं, इसके थ्रू बिल बनाना चाहते हैं, तो आपको इस वीडियो में पता लग जाएगा किस तरह से बार कोड स्कैनर से बिल बनाया जाता है और आप बार कोड स्कैनर से बिल बनाना भी सीख जाएंगे। तो चलिए आपको बताता हूँ इस वीडियो में, तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो फ्रेंड्स, देखिए कि मेरे पास जो सॉफ्टवेयर है, एक मैं बेसिक डिटेल्स आपको बताऊंगा, डीपली काफी नहीं, डीपली यदि आपको जानना है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मैं आगे नेक्स्ट टू नेक्स्ट इसके बारे में वीडियो बना सकूं। तो देखिए, हमारे पास जो सॉफ्टवेयर ओपन है वो बीजी सॉफ्टवेयर ओपन है, बीजी सतारा ओपन है। तो सबसे पहले हमें जाना है, मैं माउस का हेल्प करता हूँ, वैसे तो हेल्प से कर रहा हूँ, वैसे कीबोर्ड से हम करते हैं पर माउस से वीडियो के लिए। तो हमें सबसे पहले जाना है ट्रांजेक्शन पे, ठीक है, बाकी डिटेल्स में फीड है। हमें सबसे पहले परचेज, किस तरह से हम परचेज करके लाएंगे, कैसे हमारा बारकोड बनेगा और कैसे उस बारकोड का स्कैन करके हम बिल बनाएंगे। तो हमें चलते हैं यहाँ पर परचेज पे, ठीक है, और हम एक नया परचेज, न्यू आइटम परचेज करते हैं। जैसे हमने एड पे क्लिक किया, ठीक है, हम मेन यूज कर लिया यहाँ से और एंटर कर लेते हैं, ठीक है, डायरेक्ट, ठीक है, जो भी परसेंटेज जीएसटी वगैरह सिलेक्ट कर लेंगे, पार्टी में हम कैश, ओके, और यहां पर आइटम, तो हम यहां पर एक न्यू आइटम ऐड कर रहे हैं जिससे हम लिखते हैं बुक सीपीयू कर देते हैं एग्जांपल के लिए, ओके, यस, ठीक है। तो हमें यहां पर एक ऐड करना पड़ेगा मोबाइल, यहां से ऐड है, तो ये आइटम हमारा इस पर ऐड नहीं है। तो हम क्या करेंगे कि बैक आ जाएंगे और जाएंगे एडमिनिस्ट्रेटर पे, मास्टर, और यहाँ पर आइटम पे जाएंगे और ऐड आइटम, और यहाँ पर बुक, ठीक है, ओके, बुक और सीपीयू, एंटर, एंटर करते जाएंगे सारे डिटेल को, अब ये पीस में है तो पीस में कर देंगे, ओके, जो भी टैक्सेस लगता है टैक्स सेलेक्ट कर लेंगे। सेल प्राइस मान लीजिए कि हमारा 500 सेल प्राइस है और परचेज प्राइस हमारा 400 है, इस तरह से हम सबको सेट कर देंगे। और यहाँ पर जो पैरामीटर डिटेल्स है इसको हम यहाँ से यस करेंगे, यस, ठीक है, एमआरपी वाइज पैरामीटर डिटेल, यस, और यहां से ओके कर देंगे, ठीक है, और यहां से भी ओके, और फ्रेंड्स इस डिटेल को सेव कर देते। तो हम यहां से ऐड कर लिए, उसके बाद में जाएंगे हम ट्रांजेक्शन पे, ट्रांजेक्शन पे जाने के बाद में और हम यहां से परचेज करेंगे, ठीक है, अभी तो हमने सिर्फ आइटम इसमें क्रिएट किया, अब हम परचेज करेंगे। तो परचेज के लिए हम मेन पे चले जाते हैं, यहां से बॉट, ठीक है, इसे बहुत सारे फीचर्स होते हैं फ्रेंड्स, मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूँ कि किस तरह से बिल बनाया जाता है बारकोड से। तो यहाँ पर हम बुक को ऐड करते हैं, ठीक है, बुक किए, ओके, यस, यहाँ से बुक सीपीयू आ गया, ठीक है, क्वांटिटी हम 10 पीस कर लेते हैं यहाँ पर, या फिर 5 पीस हम परचेज किए हैं, तो 5 पीस परचेज कर लिए, ओके, और एमआरपी आपको पता है 400 आ गया, और यहाँ से ओके कर लेते हैं, ठीक है, ओके, और यहां से हम डेटा को सेव कर देते हैं, F2 से भी हम सेव कर सकते हैं, डेटा को सेव कर दिए, मतलब हमारा जो परचेज था वो सेव हो गया। अब यहां पर फ्रेंड्स, जैसे हम परचेज को डेटा एंट्री किए कि हमने इतना माल परचेज करके लाए, तो जैसे प्रिंट आइटम बारकोड पे यस करते हैं, ओके, तो यहां पर मोबाइल, बुक सीपीयू आ गया, यहां से हम कर देते हैं ओके, ठीक है, उसके बाद आप यहां से प्रिंट प्रीव्यू करके भी चेक कर सकते हैं, तो प्रिंट प्रीव्यू और इस तरह से कुछ दिखाई देगा बारकोड आपका, और यहां से प्रिंट, यहां से आप स्कैनर अपना, सॉरी अपना प्रिंटर अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहां से अपने हिसाब से प्रिंटर को सिलेक्ट कर लेता हूँ, मैं कॉनिक का मॉनिटर कर लेता हूँ और प्रिंट पे क्लिक कर देता हूँ और क्लोज कर देता हूँ,
तो आप फ्रेंड्स देख सकते हैं कि यहाँ पर जो 5 आइटम का बारकोड था प्राइस के साथ में, यहाँ पर प्राइस भी दिया होगा, एमआरपी इसमें हमने 0 रखा, तो एमआरपी के साथ यहाँ पर डिटेल्स आ गए, मतलब बारकोड यहाँ पर प्रिंट हो गया। और इसमें बहुत सारे फीचर्स होते हैं, बहुत सारे सेटिंग्स होते हैं, लेकिन आपको बाईपास करके सिर्फ मोटा मोटा ऑप्शन बता रहा हूँ कि किस तरह से आइटम लोड करते हैं, कैसे परचेज करते समय बारकोड प्रिंट होता है, कैसे स्कैन करके बिल बनाते हैं। तो आपको सिर्फ मोटा मोटा चीज, जो मेन मेन चीज होता है, वो आपको इस वीडियो में दिखा रहा हूं मैं। तो देखिए बारकोड हमारा इस पे प्रिंट हो गया। अब हम इसे बारकोड के यहाँ रख लेते हैं, ऐसे स्टिकर वाला बारकोड होता है, मैं नॉर्मल A4 पेपर पे प्रिंट किया हूँ। अब चलते हैं इससे बिल बनाने के लिए। तो सिंपल सी बात है, जब बिल बनाना होता है हमें सेल्स करने होते हैं, तो हम चलते हैं सेल्स पे और यहाँ से ऐड, ठीक है, यहाँ पे ऑटोमेटिक कैश आ गया। और यहाँ पर जैसे आइटम की जगह है, तो आइटम की जगह आपको आइटम वगैरह कुछ भी आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा आइटम, तो आइटम की जगह कुछ भी आपको नंबर सीरियल नंबर कुछ भी टाइप करने की जरूरत नहीं है। सिंपल आप अपने बारकोड स्कैनर से आप इसे स्कैन कीजिए। जैसे स्कैन कीजिएगा आपके पास नीचे और जो भी डिस्प्ले पे आपका पूरा रिकॉर्ड आ जाएगा कि एक बारकोड किस चीज का है, आप क्या सेल कर रहे हैं। जैसे बुक CPU 1 आइटम, फिर से हम एंटर करेंगे और यहाँ से फिर से दूसरा बारकोड एड स्कैन करना होगा, कोई और आइटम होगा तो वो भी आ जाएगा, लेकिन ये सारा आइटम एक ही आइटम का बारकोड है तो इसलिए सेम आ रहा है। ओके, यहाँ से एंटर करते हैं। और भी मैं बारकोड बनाया था, मैं हो सकता है कोशिश करता हूँ ट्राई करके और स्कैन करके उठाता है कि नहीं, तो ये वाला नहीं, ये मिस कर गया। देखिए कल था जो मैंने बारकोड बनाया था, डैमेज है ये, तो एक कोई और आइटम का है, तो मैं और इसे स्कैन करके देखता हूँ। तो यहाँ पर मैंने इसे स्कैन किया, देखिए तो यहाँ स्कैन किया तो देखिए वीवो मोबाइल आ गया यहाँ पर और ये स्कैन हो गया। फिर से हम स्कैन करके देखते हैं तो ये देखिए उठा लिया। तो इस तरह से फ्रेंड्स हम डेटा को सिर्फ स्कैन करते हैं, QR बारकोड को स्कैन करते हैं और इसमें डेटा फीड हो जाता है। मतलब इस स्कैनर का सिर्फ यही फायदा है कि आप जब भी सेल करेंगे तो आपको आइटम नेम, उसका प्राइस, उसका बाकी डिटेल्स टाइप करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक आप उसको ऑटोमेटिक जो बारकोड स्कैनर से कैप्चर कर लेगा आपका सिस्टम। फिर बस आप यहां से F2 प्रेस करके और जो भी आपको प्राइस कैश वगैरह आप एक्सेप्ट कर रहे हैं आप यहां से करके ओके करके आप बिल प्रिंट कर लीजिए, ओके करके और सेव और चले जाइए और यहां से आपका बिल प्रिंट हो जाएगा। जैसे प्रिंट करना चाहते हैं आप ये प्रिंट उठा लेगा। यदि आपके पास छोटा वाला प्रिंटर है तो छोटा वाला प्रिंटर से प्रिंट कर सकते हैं, बड़ा वाला प्रिंटर है तो आप बड़े वाले प्रिंटर से प्रिंट कर सकते हैं, यदि आपके पास थर्मल प्रिंटर जिसमें पतली सी रिसिप्ट आती है उससे भी आप प्रिंट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इसमें मैंने आपको ये चीज बताया कि सबसे पहले आइटम ऐड किया जाता है, उसके बाद में परचेज आइटम को लोड किया जाता है, उसके बाद में बारकोड को प्रिंट किया जाता है और फिर सेल करते समय आइटम को लोड ना करने पड़े, बस आप स्कैन करें और ऑटोमेटिक सेल डेटा में आइटम लोड हो जाए, तो इसलिए फायदा होता है। यदि आपको लोड करने पड़ता तो काफी समय लगता है सीरियल नंबर आइटम नेम वगैरह ढूंढने में, क्योंकि एक ही नाम से काफी प्रोडक्ट होते हैं, मतलब थ्रू डिफरेंट के। तो इस तरह से फ्रेंड्स इसका जो बारकोड इसका यही बेनिफिट है और इस तरह से बिल बनाया जाता है। फ्रेंड्स यदि आपको इसके बारे में डीपली जानना है बिल्कुल बारीकी से, क्योंकि इसमें सब मैंने बाईपास करके फटाफट से लोड कर दिया ताकि आपको एग्जाम्पल के लिए आपको समझा सकूं, तो आप हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लें और हमें कमेंट में जरूर करें कि इसके बारे में हमें डीपली बताएं। और साथ ही यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक लिए बाय बाय।